जय माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ग 3 में बीएड अमान्य से संबंधित आज की ताज़ा खबर। एमपी वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों को मिली राहत भरी खबर। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आप कोई भी जानकारी पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप प्रत्येक जानकारी पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आपको पता है, 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई का ऐतिहासिक निर्णय आया, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई, जिसके तहत वर्ग 3 में बीएड अमान्य कर दी गई। अब जैसे ही वर्ग 3 में बीएड अमान्य हुई, वैसे ही एमपी में वर्ग 3 बीएड अभ्यर्थियों की जो चिंता है वह बढ़ना प्रारंभ हुई, क्योंकि वर्ग 3 की जो एमपी में भर्ती थी वह कोर्ट के आदेश के अधीन थी, जिस कारण से चिंताएं होना नॉर्मल या स्वभावजनक है। तो वहीं बात करें, डीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागृत हुई। अब इस पर डीएड अभ्यर्थियों ने माननीय विज्ञान साह जी से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए सुनवाई के लिए केस की बात की। तो विज्ञान साह जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जो याचिका थी वह दायर कर दी, जिसके तहत 19 सितंबर को सुनवाई की जो डेट प्राप्त हुई है, इससे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर प्राप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि 19 सितंबर अभी डेट प्राप्त हुई है, इसके बाद केस चलेगा। केस लंबा चलने के बाद ही हो सकता है, वैसे संभवता तो 2 या 3 हियरिंग तो होंगी ही होंगी, संभवता इससे कुछ लंबा समय प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो बीएड अभ्यर्थी हैं वह प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने में कहीं ना कहीं उन्हें सफलता भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि डीएड अभ्यर्थी इस बात से परिचित नहीं है कि समय मिलने पर बीएड अभ्यर्थी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो डीएड अभ्यर्थी भी जो सुनवाई की डेट है 19 सितंबर प्राप्त हुई है, उसे जल्द से जल्द करवाने का प्रयास कर रही है। वहीं साथ में माननीय विज्ञान साह जी ने एक जानकारी और दी, जो भी वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा, यदि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाता है तो उतने ही पदों पर नए डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि उतने ही पदों पर नए डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलती है तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है भारत में, किंतु कहीं ना कहीं एक विषय वस्तु पर विचार जाता है कि जितना कठिन सर्विस मिलना या जॉब मिलना होता है गवर्नमेंट, उससे अधिक कठिन होता है बाहर निकलना। तो इस विषय वस्तु या पॉइंट के कारण यदि वर्ग 3 के अभ्यर्थी यथावत रहते हैं तो उनके लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें जॉब प्राप्त हो चुकी है, और किसी की भी जॉब छूटना बहुत बड़ा दुख दर्द या बहुत बड़ा आफत विपत्ति होती है। तो वैसे तो यदि यह ना जो रास्ता बीच का निकलता है तो डीएड और बीएड दोनों के लिए इस काउंसलिंग के लिए वर्तमान में लाभप्रद रहेगा। तो यह थी बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। एक तो समय भरपूर मिला है, साथ ही साथ उम्मीद जत बनी हुई है कि यदि बाहर उनके स्थान पर जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके स्थान पर दूसरे जो नए पद सृजित की जा सकती है। नमस्कार।